हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्के वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सिक्के वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग RRB NTPC एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं OB शिफ्ट वाइज। तो हमने 17 के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन कर लिए हैं और ये हमारा है RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 18/9/2018 शिफ्ट 1। किसका है? 18/9/2018, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट का है, शिफ्ट फर्स्ट का है। तो इसका हम देखेंगे और एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है या झुकता है किसके ओर? सामान्य की ओर, और धीमा हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पहले पूरा वाच कीजिए और वाच करने के बाद देखिए कि आपको इसमें कितना GK और GS याद है, और उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आपने कितना सही किया। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर सेंड करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक एंड फेसबुक पेज का लिंक पर ज्वाइन एंड फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट कितनी होती है? तो इसको मल्टीप्लाई करना है और 1000 से भाग कर देना है, आ जाएगा 0.96 यूनिट, ठीक है। अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस है। अगला है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा? तो 1/6 गुना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? तो 17वां समूह। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? 17वां समूह। कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो स्पाइरोगाइरा, ठीक है। दो प्रतिरोधक जैसे 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी? तो 0.2 एम्पियर है। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से वीडियो करेंगे। अगला देख लेते हैं। कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? बेकिंग सोडा में। अगला है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि के तरंग को क्या कहते हैं? तो इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। अगला है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोस्ले ने किया। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार करता है उसे क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। अगला है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है क्या? तो सिरिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस होती है? भरी होती है, तो आर्गन। अगला है, कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये डेवलप होता है और इसमें जो जो होता है सब आपको मालूम है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। केरवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, ठीक है, मिट्टी का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो क्या है? तो द
गॉस्पेल ऑफ यूदास है, ठीक है। उसने पुस्तक लिखा है क्या, द गॉस्पेल ऑफ यूदास। कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ममंग दाई को। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया, किसके बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है, युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है। अब बताइए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, तो 25 जनवरी को। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन प्रायोजित किया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस PVD, ठीक है। नेक्स्ट है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मिशन लर्निंग एम्पल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है, तो लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 18/9/2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, चलिए बाय।